बहन ने अभी सुनते सुनते आप जो गा रही थी और गौतम फ्लूट बजा रहे थे, तो मेरे जहन में ये भी आई और शायद मुझे लगता है सब आपके मन की बात है कि जब इस तरह का गीत चल रहा हो जिसमें समग्र लता पूरी स्पेस धुन में घेर लेती है, वो दे दो ना, वो जो दे दो ना, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे चीरहरण हो गया, गोपिकाएं खड़ी है भगवान से कह रहे दे दो ना, ये जो वो चित्र खड़ा कर देती हैं, तो ना आपको सोचने की जरूरत होती कौन सी कैटरीना या कौन सी करीना होगी इस गाने पर, पूरी लता 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 में एकदम हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा उनको एक डिवाइन एक ब्लेसिंग उनको है कि गीत को जिसे कहते हैं ना कि एकदम रौंद के रख देती है वो, आप यू सिंपली फॉरगेट कि कौन सा साल रहा होगा, कौन संजीव कुमार होंगे या विद्या सिंह, कुछ भी नहीं, जयदेव थोड़े याद रह जाते हैं, गीतकार याद रह जाते हैं और भरी पूरी लता आपको याद रह जाती है, ये और इसमें जो तीसरे अंतरे में शब्द आते हैं कि मुरलिया समझ कर मुझे तुम उठाओ बस एक बार होठों से अपने लगा, तो बहुत सारे गाने हैं लेकिन जो मतलब कलर लता जी ने बहुत कम गाया, थोड़ा एक श्रृंगार जो है वो श्रृंगार आत्मा से अब शरीर तक आ रहा है, तो वो छटा जो है बहुत ही एकदम तलम तरल प्रीति से लता जी अपने गले से बताती है। मुरलिया समझ कर मुझे तुम उठाओ बस एक बार होठों से अपने लगा दो, कभी कभी ये शारीर नहीं लगा, कामुक नहीं लगा, ये क्या बाज रहा है, ये सिर्फ उनकी गायकी का कमाल है। एक अजाक्ष छत्री जी का स्टेटमेंट एकदम निगाह पड़ गई, लता अपने गीतों में शब्दों को इतनी महत्ता से गाती हैं कि हमारे जहन में एक शालीन चिरंतन भारतीय प्रेमिका का चित्र खिंच जाता है, शकुंतला दमयंती संयोगिता शरद बाबू की पारो आपको याद आने लगती है, ये लता का कमाल है, ये सिर्फ किताबों के चित्र नहीं है, लता जी इन सबको जीवित करती है। बारे में बताऊंगी और हम आगे जाएंगे, काफी सारे गाने हैं लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपनी जो भूमिका है नायिका क्या कहना चाहती है, ये लता जी बहुत मतलब उनकी जो समझ थी वो आउट ऑफ हमारी रीच है। एक गाना था देखिए उसी दौर का है 70s के, जो सिंपलिसिटी की बात हम कर रहे हैं, रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी। अब इसमें लता जी ने क्या कमाल किया है सीधा बताती हूँ आपको, कभी आप किसी को कुछ राज कहना चाहे, अगर दिल की बात कहना चाहे तो आप उसी आवाज में नहीं कहते जिस आवाज में आप हमेशा बात करते, अगर मुझे कुछ बताना है खास, आपको पता है संजय जी ऐसा हुआ, तो ये जो आवाज है उस आवाज का यहाँ पे इस्तेमाल है, उसके हाथ एक रहस्य लगा है, अधिकार है जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। अब कौन सा भेद है ये, क्या फर्क है, मेरी प्रवृत्ति में फर्क हो गया कि अधिकार मैंने जान लिया मान लिया, और क्या मुझे क्या मिला है, कौन सा भेद खुला है, कौन सा रहस्य मिला है, तो कितना सुख है बंधन में, यह है वो राज। अब पहली की लाइनें और इस लाइन की गायकी में फर्क है, देखिए सिर्फ कोड देने से, और अधिकार शब्द का उच्चारण कैसे करती है, तो अधिकार लगता है हमें सुनने में, अधिकार जब से साजन आवाज कैसे जाएगी।
अधिकारी जब से साजन का हर धड़कन पर माला मैंने जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी इतना वेद अपन बताएंगे बाद में।